नवीन शेखरप्पा की मौत पर रूस के राजदूत डेनिल एलिपोव का बयान, बोले नवीन की मौत पर हमें दुख है, नवीन की मौत की वजहों की जांच होनी चाहिए। यूक्रेन के जिस सूमी शहर में लड़ाई तेज हो गई है, वहां अभी भी कई भारतीय छात्र फंसे हैं। भारतीयों ने लगाई मदद की गुहार। मैक्सिमम 6 डेज से फंसे हुए हैं और धीरे धीरे हमारा खाने का सामान भी खत्म होने लगा है और हम एम्बेसी को फोन करते हैं, एम्बेसी फोन भी नहीं उठाती। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल हो गई। 2 जुलाई 2014 के बाद पहली बार इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा है कच्चा तेल। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पहुंचे, वहां फंसे लोगों से की मुलाकात, लोगों को राहत सामग्री बांटी। ABP News आपको रखे आगे।